Subscribe to my channel. Press the bell icon for watching my new videos. हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ड्रीम गर्ल के बारे में, छिछोरे मूवी के बारे में और साथ साथ आर्टिकल 375 के बारे में। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँ आप उसे पूरा जान सके और अच्छे से जान सके। पहले मैं इतना बता दूँ कि ड्रीम गर्ल मूवी और छिछोरे मूवी के रिलीज डेट में बहुत बड़ा गैप है, और एक हफ्ते पहले छिछोरे मूवी रिलीज़ हो गई थी, उसके बाद हमारी ड्रीम गर्ल मूवी रिलीज़ हुई है। और बताऊँ अगर ड्रीम गर्ल के साथ तो आर्टिकल 375 रिलीज़ हुई थी। अब मैं आपको इन तीनों मूवीज़ का कलेक्शन बताऊँ, उससे पहले ये बता दूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे आप तक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगी। और साथ साथ ये बता दूँ कि ड्रीम गर्ल मूवी हो चाहे छिछोरे मूवी हो चाहे 375 मूवी, सभी की सभी मूवीज़ बॉक्स ऑफिस में बहुत बहुत ज़्यादा तगड़ा कलेक्शन कर रही है। मैं आपको बता दूँ ड्रीम गर्ल मूवी को 13 सितंबर को रिलीज़ किया गया था, इसके साथ आर्टिकल 370 को भी उसी दिन रिलीज़ किया गया था 375 को। अगर बात करूँ मैं बजट की तो ड्रीम गर्ल मूवी का बजट लगभग 20 करोड़ के आसपास है। वहीं डायरेक्टर की बात करूँ तो राज शांडिल्या ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। अब सीधे मैं आपको कलेक्शन की तरफ ले चलता हूँ। जैसा आपको पता ही होगा मूवी ने फर्स्ट डे में 10 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन किया था, और बात करो अगर फोर्थ डे की यानी कल के दिन की तो मूवी ने ऑफिशियल कलेक्शन किया है 7 करोड़ 43 लाख का नेट कलेक्शन इंडिया में। और वहीं बात करूँ टोटल कलेक्शन की तो मूवी का टोटल कलेक्शन हो चुका है 52 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मूवी ने 52 करोड़ का कलेक्शन क्रॉस कर लिया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। वहीं बात करें अगर मूवी के फिफ्थ डे के प्रेडिक्शन की, वैसे अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं अगर आपको इस मूवी के अर्ली एस्टिमेट चाहिए, क्योंकि जैसे मैं आपको मूवी मिशन मंगल के शाम को यानी 10 से 11 बजे के आसपास अर्ली एस्टिमेट देता था जितना मुझे रिपोर्ट्स पता चलती थी, अगर आपको ड्रीम गर्ल मूवी का या छिछोरे मूवी का भी उसी तरह से अर्ली एस्टिमेट चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं आपको उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। बात करूँ अगर फिफ्थ डे के प्रेडिक्शन की तो मूवी ने अपने फिफ्थ डे में लगभग आज के दिन में कलेक्शन की बात करूँ तो 7 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर सकती है, क्योंकि आज के दिन मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी अच्छी थी, आफ्टरनून की भी मूवी की ऑक्यूपेंसी जो है वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अब देखना होगा इवनिंग में, नाइट में और लेट नाइट शोज में मूवी की ऑक्यूपेंसी किस तरह से जाती है। तो मैं फिर कह रहा हूँ अगर आपको पूरे दिन की आज की ऑक्यूपेंसी या फिर कलेक्शन के बारे में अर्ली एस्टिमेट चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं आपको शाम को 10 बजे के आसपास जरूर एक वीडियो बना करके दूंगा। मैं बात करूँ टोटल कलेक्शन की तो मूवी का फर्स्ट 5 डेज का लगभग 59 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हो जाएगा, और वर्ल्ड वाइड में अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही है वो है 80 करोड़ के आसपास की मूवी 80 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर चुकी है फर्स्ट 5 डेज में। तो आपको क्या कहना है ड्रीम गर्ल के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की। अगर बात करूँ मैं नेक्स्ट मूवी की तो मेरी नेक्स्ट मूवी है छिछोरे मूवी। जहाँ दोस्तों छिछोरे मूवी यानी कि जिस मूवी ने बॉक्स ऑफिस में फिर से आप कह सकते हैं कि दंगल के बाद नितेश तिवारी सर की मूवी दंगल के बाद एक और बड़ी हिट होने जा रही है जिसका नाम है छिछोरे। मैं कह रहा हूँ अगर इस मूवी को हम या मेकर्स चाइना में रिलीज़ करते हैं तो मूवी बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाएगी, इतना मैं गारंटी देता हूँ। वो इसलिए क्योंकि इस मूवी की स्टोरी जो है वो बहुत अपीलिंग है और लोगों को जल्दी कनेक्ट करेगी ये स्टोरी, चाहे वो मैसेज पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो कॉमेडी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो मुझे लगता है कि इस मूवी को जरूर चाइना में रिलीज़ करना चाहिए आने वाले टाइम में, ताकि ये मूवी चाइना में भी अच्छा खासा कलेक्शन कर सके। बात करूँ छिछोरे मूवी की तो इसको 6 सितंबर को रिलीज़ किया गया था, और मूवी का बजट जो है वो 40 करोड़ के आसपास का था। मूवी ने अपने 11th डे में लगभग 4 करोड़ 2 लाख का कलेक्शन किया है नेट इंडिया में, जो कि बहुत और बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन है। अगर बात करूँ मूवी के टोटल कलेक्शन की तो 98 करोड़ 8 लाख का मूवी ने नेट कलेक्शन कम्प्लीट कर लिया है इंडिया में, यानी कि अब मूवी 100 करोड़ करने वाली है आज के दिन। अगर बात करूँ मूवी का 12th डे यानी आज के दिन के कलेक्शन की तो मूवी आज के दिन भी मूवी का कलेक्शन जो है ज़बरदस्त है। मूवी ने लगभग मॉर्निंग से एक अच्छी ऑक्यूपेंसी ली है, अच्छा स्टार्ट लिया है, और आफ्टरनून में भी एक अच्छी ऑक्यूपेंसी है, लेकिन अभी देखना होगा इवनिंग नाइट और लेट नाइट के शोज़ किस तरह से जाते हैं, लेकिन अभी तक जो लग रहा है वो मूवी लगभग 3 करोड़ 70 लाख के आसपास का कलेक्शन कर सकती है। हो सकता है अगर नाइट के शोज मूवी के और अच्छे जाते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाते हैं तो मूवी कहीं ना कहीं 10 से 15 लाख के आसपास का और ग्रोथ ले सके। अगर टोटल कलेक्शन की बात करूँ तो मूवी 101 करोड़ 78 लाख के आसपास का कलेक्शन कंप्लीट कर जाएगी इंडिया में, और वहीं वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो मूवी 135 करोड़ का कलेक्शन क्रॉस कर जाएगी। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 375 ने अपने पहले 3 दिनों में तो जमकर परफॉर्म किया। हालांकि इस मूवी को उतना आप कह सकते हैं प्रमोट नहीं किया गया था, उतनी इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं लगाई गई थी, लेकिन फिर भी मूवी ने जो है एक अच्छा रिस्पांस लिया और मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में एक
रिस्पेक्टिव कलेक्शन करने में कामयाब रही है। मूवी ने अपने फोर्थ डे में जबरदस्त ग्रिप बना के रखा है, जबरदस्त होल्ड लिया है और मूवी ने 1 करोड़ 21 लाख यानी 1 करोड़ 21 लाख का कलेक्शन किया है और मूवी का टोटल कलेक्शन हो चुका है 9 करोड़ 25 लाख के आसपास फर्स्ट 4 डेज का। तो ये थी मेरी आज की वीडियो छिछोरे मूवी के ऊपर, आर्टिकल 375 के ऊपर और वहीं ड्रीम गर्ल के ऊपर। तो आपको क्या कहना है इन तीनों ही मूवीज़ के बारे में और उनके कलेक्शन के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।